राजधानी रायपुर के नवीन स्टेट हैंगर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव ने नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका का स्वागत किया और मीडिया से तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि रामेन डेका के आने से छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और विकास को लेकर उनके मार्गदर्शन पर हम चलेंगे। छत्तीसगढ़ आगमन पर हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ नित नई सफलता हासिल करेगा और छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी हर समय केवल राजनीति करने का काम करती है। हम सब ने देखा है कि किसी तरह के काम करने की नीयत कभी कांग्रेस की रही नहीं है। केवल और केवल राजनीति करना, लोगों को धोखा देना, लोगों के बीच भ्रम पैदा करना, अब ये कांग्रेस का एजेंडे का हिस्सा है। जहाँ तक आरक्षण के मामले का विषय है, माननीय राज्यपाल जी का आगमन हो गया है और सारी बातों पर वो विचार करेंगे और अपना निर्णय करेंगे।